देश इन दिनों जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है। ऐसी आपदा की घड़ी में भी अपने नापाक मंसूबों के चलते अवसर में बदलने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में अम्बाला में नकली रेमडेसिविर के बड़े गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें पुलिस ने 21 अप्रैल से लेकर अब तक 423 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं, जिनमें से 24 इंजेक्शन मेडिकल जांच रिपोर्ट में नकली साबित हो चुके हैं, तो वहीं अन्य इंजेक्शनों की रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। वहीं नकली रेमडेसिविर के इस खेल में अब तक पुलिस ने इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के मालिक सहित 11 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर उन्हें बाजारों में बेचकर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले बड़े गिरोह का अम्बाला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल 21 अप्रैल को दर्ज हुए मुकदमे में पुलिस ने 24 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए थे, जो मेडिकल जांच में नकली पाए गए, जिसके बाद अम्बाला पुलिस एक्शन मोड में आ गई और पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद जगह जगह छापेमारी कर 399 और इंजेक्शन काबू किए गए। हालांकि बाद में पकड़े गए ये इंजेक्शन असली है या नकली, इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन पुलिस को इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये इंजेक्शन भी नकली साबित होंगे। 21/4/2021 को कंठ थाने में एक मुकदमा दर्ज किया था नकली या रेमडेसिविर इंजेक्शन पकड़ने का, वो बाद में नकली साबित हुए। उसके अलावा इसमें 399 इंजेक्शन और पकड़े गए थे, जिसकी तफ्तीश CIA-1 के द्वारा की जा रही थी। अभी तक उस मुकदमे में 11 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं और आज भी एक दलप्रीत नाम का आदमी गिरफ्तार किया है, जिसकी नालागढ़ हिमाचल में फैक्ट्री है दवाइयों की। उसको कल कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे और किस प्रकार से कहां से वो ये इंजेक्शन बना रहा था या बनवा रहा था उसकी तफ्तीश की जाएगी। सर, किस नाम से ये फैक्ट्री है और वहां पर क्या? इस फैक्ट्री का नाम आपको कल डिस्क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी हमने उसको पकड़ा ही है। जैसे ही वो पूरा नाम आएगा उसका, उसी हिसाब से आपको बता देंगे। सर, ये इंजेक्शंस और जिस प्रकार से बन रहे थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। कल इसको पता करके आपको बता देंगे, जब ये रिमांड पे लेंगे और आपको पूरा डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। सर, सभी 400 से ऊपर जितने भी टोटल इंजेक्शंस हैं सभी नकली हैं? उनका हमने कुछ जो पहले 24 भेजे थे वो नकली मिले, उसके बाद के जो 399 उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उम्मीद करते हैं वो भी नकली होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई रैपर नहीं था। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।